अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। पाइनस प्लांट्स ये किस तरह के प्लांट्स हैं? ये प्लांट्स के ग्रुप जिम्नोस्पर्म में आ जाते हैं, जिनके नेक्ट के सीड कैसे होते हैं, नेक्ट होते हैं। और ये पाइनस प्लांट्स ये क्या कहलाते हैं? ये कोनीफेरस प्लांट्स कहलाते हैं। ये किस तरह के प्लांट्स हैं? कोनीफेरस। कोनीफेरस का मतलब क्या है कि ये कॉन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब ये कॉन्स दो तरह के होते हैं, मेल कॉन और एग को क्या कहते हैं, फीमेल कॉन। यानी ये प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स के ग्रुप जिम्नोस्पर्म में आ जाते हैं। ये क्या है? कोनीफेरस प्लांट्स हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल में क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, कौन प्रोड्यूस कर लेते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, कोनीफेरस प्लांट्स कहते हैं। या तो इनकी अगर हम स्ट्रक्चर्स को भी देखें, पाइनस प्लांट्स की स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह भी नज़र आता है। अगर हम गौर से देखें उनकी शेप को, दूर से अगर हम गौर से देखें तो उसकी यहाँ ब्रांचेस वगैरह तो होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसकी शेप इस तरह यूं नज़र आएगा, कौन लाइक स्ट्रक्चर की तरह नज़र आएगा, तो ये क्या कहलाता है, कोनीफेरस प्लांट्स कहते हैं। या तो हम ये कहते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, कौन प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिनमें से एक को मेल कॉन कहते हैं और दूसरा क्या कहलाएगा, फीमेल कॉन कहलाएगा। देखिए, जब हम किसी भी प्लांट्स की लाइफ साइकिल की तरफ चलें तो वही दो स्टेज आ जाती हैं, एक स्पोरोफाइट और दूसरा क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेती हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर गैमेट्स बनते हैं। अब ये प्लांट्स हैं पाइनस प्लांट्स हैं। पाइनस प्लांट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म तमाम के तमाम उनकी जो मेन प्लांट बॉडी क्या है वो स्पोरोफाइट है। अब देखें, एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, ठीक। अब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में हमेशा रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह मौजूद नहीं होते। ये बात याद करें, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी टेलोफाइटिक होती हैं, लेकिन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ये टेलोफाइटिक नहीं होते हैं। जिस तरह टेराडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, जिनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स क्या मौजूद हैं, अच्छी तरह पाए जाते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि एलजी है और ब्रायोफाइट्स है, उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है, तो इस वजह से वो एक रीज़न पे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, टेलोफाइटिक है। क्योंकि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में ना जड़ है, ना तना है और ना पत्ते मौजूद होते हैं। अब इसी जो है मेन प्लांट बॉडी, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, यही दो तरह के कॉन प्रोड्यूस कर लेता है। एक को क्या कहते हैं, मेल कॉन और दूसरा कहलाएगा फीमेल कॉन, ठीक है। अब इस जो है मेल कॉन के अंदर क्या बनेगा, माइक्रो स्पोरेंजियम बनेगा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम और इसमें क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम। अब इसी जो ना माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, इन दोनों में जब मियोसिस की अमल होगी, जब मियोसिस की अमल होगी, तो मियोसिस के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम हमेशा माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और मेगा स्पोरेंजियम ये मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब बात क्या है कि पाइनस प्लांट्स ये क्या है, सीडलिंग प्लांट्स हैं। सीडलिंग प्लांट्स में क्या होगा कि मेगा स्पोर्स हमेशा मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं और माइक्रो स्पोर्स हमेशा माइक्रो स्पोरेंजियम से कैसे होते हैं, रिलीज हो जाते हैं,
अच्छा एक और बात, मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम पोर में होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम पोर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक, तो फिर यही प्रोसेस मियोसिस के अमल मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब होगा तो इससे माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स ये दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स हमेशा मेल गैमेटोफाइट में तब्दील होगा और मेगास्पोर्स ये फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा। ठीक है, क्योंकि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से हमेशा क्या बनते हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनते हैं। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी दो तरह के होते हैं, एक फीमेल गैमेटोफाइट और दूसरे को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन मौजूद होती है वो क्या कहलाएगा, आर्चिगोनियम, और जो मेल गैमेटोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन मौजूद होगी जो मेल सेक्स ऑर्गन कहलाएगा, जिसे क्या कहते हैं, एंथ्रेडियम। ठीक, अब क्या होगा, इस आर्चिगोनियम के अंदर हमें पता है क्या मौजूद होती है, एग, और एंथ्रेडियम के अंदर क्या चीज बनती है, स्पर्म। ठीक है, फिर क्या होगा, एंथ्रेडियम से स्पर्म रिलीज हो गए, कहां पे जाते हैं, आर्चिगोनियम की तरफ जाते हैं, तो आर्चिगोनियम के अंदर दाखिल होकर वहां पे एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं, यानी एग और स्पर्म ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमेशा क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। फिर क्या होगा, ये जायगोट मुख्तलिफ सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो से एक प्लांट बॉडी आ जाती है, फिर उसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। फिर सेम टू सेम यही स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ये इसकी मेल प्लांट बॉडी होगी, फिर यही स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इसी प्रोसेस के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा, मीन गैमेटोफाइट में तब्दील होगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में ये प्रोसेस होगा इसमें तब्दील होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा, इसी तरह गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में तब्दील होना और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होना, तो ये अमल क्या कहलाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे ये वही हम एक दायरा लगा लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट हमेशा जायगोट से स्टार्ट होती है और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के डेवलपमेंट किससे स्टार्ट होगी, स्पोर से स्टार्ट हो जाती है। और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि दो एप्लाइड सेल के मिलने की वजह से बनते हैं, जिस तरह स्पर्म और एग दोनों फ्यूज हो जाते हैं, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपस में मिलकर डबल हो जाते हैं, जिससे स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनती है। इस वजह से इसकी ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के डिप्लॉयड है। फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हमेशा ये कैसे होते हैं, ये एप्लाइड होते हैं, इसे सिर्फ एंसिजन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा स्पोर से बनते हैं, स्पोर्स खुद एप्लाइड सेल है, एप्लाइड सेल इसलिए हैं क्योंकि ये किस चीज़ की वजह से बनते हैं, एक प्रोसेस की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस प्लांट्स।